गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू अपना टीचिंग चैनल। फ्रेंड, आज की वीडियो में बात कर रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस की, जिसको हिंदी में कहते हैं समय और दूरी। दोस्तों, ये पार्ट फाइव है। पार्ट वन टू थ्री फोर मैं पहले डाल चुका हूं। और दोस्तों, मेरा नाम है राहुल। तो आपसे आशा करता हूं कि ये वीडियो आप स्टार्टिंग से लास्ट तक देखते हैं, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को मात्र कुछ सेकंड के अंदर ही आप चुटकी में इसका आंसर दे दोगे, जिससे जिसके लिए होगा कि आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखें। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और घंटी का निशान भी दबाइए। और दोस्तों, इस टाइप से क्वेश्चन बहुत बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। लगभग हर एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन जरूर पूछा, एक क्वेश्चन तो आ ही जाता है लगभग। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की तरफ। तो अपना क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 20 मिनट देर से पहुंचता है। यदि वह स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता। तो इसमें पूछा है कि घर से स्कूल तक की दूरी बताओ, वह किस चाल से चले कि वह स्कूल सही समय पर पहुंच जाए। फिर से रिपीट कर रहा हूं क्वेश्चन। एक विद्यार्थी अपने घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तथा 20 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 20 मिनट देरी से पहुंचता है। फिर उसके बाद में बोला, यदि वह स्कूल 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो इसमें बताया कि अगर वो स्कूल 30 की जगह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, जल्दी पहुंच जाता है। तो हमसे दो चीज पूछिए, क्या पूछिए? घर से स्कूल तक की दूरी, हमें बतानी कि घर से स्कूल तक की दूरी, और वह किस चाल से चले कि वह स्कूल सही समय पर पहुंच जाए। तो वह किस चाल से चले ये बताना है कि वो सही टाइम पे पहुंच जाए। तो हमें एक स्पीड पूछी है। तो दोस्तों, हमें क्या क्या दे रखा है वो एक बार लिख देता हूं। तो 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो 20 मिनट लेट पहुंचता है, देरी से पहुंचता है। और फिर वह 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाता है तो 10 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार हम करते हैं तो देखते हैं कि 10 मिनट जल्दी पहुंच रहा है। 10 मिनट जल्दी मिनट में है। और हमसे ये पूछा है, घर से स्कूल तक की दूरी बताओ, वह किस चाल से चले कि वह सही समय पर पहुंच जाए। तो हमसे ये पूछा है कि दूरी पूछा है, जो दूरी पूछी है। और दूसरा पूछा है कि सही स्पीड सही चाल, ये हमसे पूछा है दोस्तों। तो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन को हम इस फॉर्मूले द्वारा सोल्व करेंगे। स्कूल की दूरी बराबर चालों का गुना बटे चालों का अंतर इनटू गुने में है समय का अंतर। चालों का गुना, चाल क्या है अपनी SP1, स्पीड वन ये है, स्पीड टू है ये। तो हम बोल सकते हैं या SP1 इंटू SP2, SP1 गुना SP2। चालों का गुना बताया तो इन दोनों का गुना बट चालों का अंतर, तो SP1 और माइनस SP2 इनका अंतर लेना है। और फिर ये क्या है, समय का अंतर, जो ये टाइम है टाइम वन और टाइम टू का अंतर ये अंतर पूछा हमसे। अंतर हम इस तरह दर्शा सकते हैं। तो हम दोस्तों दूरी निकाल रहे हैं, स्कूल की दूरी का सूत्र ये होता है। तो हमें इस सूत्र के द्वारा मान रखना है। तो SP1 दे रखा है 30, SP1 है 30, तो ये 30 लिख देते हैं। और गुना में करते हैं SP2 क्या है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, बैठे में करते हैं चालों का अंतर कितना है 30 और ये 40 है, इसमें कितने का अंतर है 10 का अंतर है, 40 में 30 घटाएंगे 10 आएंगे। तो ये चालों का अंतर हो गया, गुने में करेंगे समय का अंतर। तो दोस्तों, यहाँ देखने वाली बात है, ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है और ये 10 मिनट जल्दी, तो इसमें अंतर कितने का है दोस्तों। यहाँ 10 का अंतर नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ 10 का अंतर नहीं है, यहाँ 20 मिनट
मानो कि ये कोई फिक्स समय है, तो ये देरी से पहुंच रहा है, तो देरी यहाँ 20 मिनट, यहाँ 20 मिनट, और यहाँ जल्दी पहुंच रहा है तो ये 10 मिनट, तो इनके बीच में कितना गैप हो गया दोस्तों? 20 मिनट तो ये हो गया, 10 मिनट ये हो गया, तो ये कितना हो गया? कुल 30 मिनट हो गया। तो ये 30 मिनट हो गया दोस्तों, 10 का अंतर कब आता है दोस्तों? अगर यहाँ देरी है तो यहाँ भी देरी होती तो 10 का अंतर आता है, यहाँ जल्दी होता तो 10 का अंतर होता है, यहाँ देरी और जल्दी है तो इस वजह से 30 का अंतर है इसमें। और दोस्तों हम क्या निकाल रहे हैं? दूरी निकाल रहे हैं। तो अब इसको सोल्व करते हैं, तो यहाँ 30 मिनट है जो 30 मिनट आई है, और यहाँ ये घंटे में, घंटे किलोमीटर प्रति घंटे में, ये रफ्तार है जो किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो इसको भी घंटे में चेंज करेंगे। तो घंटे में चेंज करने के लिए सेट का भाग लगाएंगे, क्योंकि जो 30 मिनट है मिनट को घंटे में चेंज करते हैं, तो एक मिनट में सेट, सॉरी, एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो इस वजह से इसमें सेट का भाग लगाएंगे। तो अब इसको सोल्व करते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, और 0 से 0 गया, और 2 दूनी 4, तो ये आ गया 60, तो अपनी दूरी आ गई 60 किलोमीटर। तो अपना एक आंसर तो आ गया 60 किलोमीटर, जो हमसे फर्स्ट में पूछा था घर से स्कूल तक की दूरी बताओ, तो यहाँ हमसे पूछा था दूरी, तो दूरी तो आ गई 60 किलोमीटर। अब दूसरा बच्चा सही चाल, अब वो इसलिए इस तरह सोल्व करेंगे, सेकंड बच्चा सही समय, सही चाल, तो सही चाल बतानी है। तो दोस्तों हमें पता है 60 किलोमीटर जो इसकी दूरी है, जो ये 60 किलोमीटर दूरी है यहाँ से यहाँ तक, मान लो कि यहाँ से यहाँ तक है 60 किलोमीटर की दूरी, और दोस्तों स्टार्टिंग में वो जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वो जा रहा है, और 60 किलोमीटर की दूरी वो कितने देर में तय करेगा? वो करेगा 2 घंटे में, मतलब कि 2 घंटे का मतलब हुआ 2 घंटे में करेगा, तो कितने मिनट हो गई? 60 मिनट में 1 घंटा होता है, तो 2 में कितना होगा? 120, 60 दूनी 120, तो 120 मिनट हो गई। 120 मिनट आई है वो आई है 30 की स्पीड से सेट को अगर वो कवरेज करता है। तो दोस्तों इसमें बोला है कि 20 मिनट देरी से पहुंचता है, 20 मिनट देरी से, क्वेश्चन में दे रखा था 20 मिनट देरी से, तो इसका मतलब हो गया कि 120 मिनट में जो वो पहुंच रहा है, तो 20 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो इसमें से 120 में से 20 लेस कर देंगे और ये बचेगा 100 मिनट, 100 मिनट बची। अगर दोस्तों आपको ये समझ में नहीं आया कि देरी से पहुंच रहा है और माइनस कर रहे हैं, तो क्या रीजन है दोस्तों? कुछ नहीं, क्वेश्चन अच्छी तरह समझो कि वो बोल रहा है कि अगर मैं 120 मिनट लगती है मुझे 60 किलोमीटर को रफ्तार, 60 किलोमीटर एरिया को कवर करने के लिए 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 120 मिनट लगती है, तो मैं 20 मिनट लेट हो जाता हूँ, तो 20 मिनट वो लेट हो जाता है 120 मिनट में, तो वो पहले कितने टाइम में पहुंचता था? तो वो पहले पहुंचता था 100 में, 100 मिनट में पहले पहुंचता था, और अब पहुंच रहा 120 मिनट में, तो 20 मिनट लेट हो गया ना, तो ये हो गया 100 मिनट में, सही समय आया उसका 100 मिनट। अगर दोस्तों क्वेश्चन में ये पूछ लेता कि सही समय बताइए, तो उसका होता कि 100 मिनट में पहुंच जाता। अब दोस्तों हमसे पूछी है चाल, तो चाल का सूत्र क्या होता है? चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, ये इसका सूत्र होता है। तो दोस्तों यहां दूरी कितनी है? 60 किलोमीटर, 60 किलोमीटर को वो करता 100 मिनट में, तो वो 100 मिनट में अगर सही समय है, इस समय पे पहुंचना चाहिए 60 किलोमीटर, तो किस स्पीड से जाएगा वो, ये हम ज्ञात कर रहे हैं। तो 60 किलोमीटर जो आया है 100 मिनट में पहुंचना चाहिए, तो अब इसका ये मिनट है, 100 मिनट है, और ये किलोमीटर है। तो दोस्तों किलोमीटर हमेशा प्रति घंटे में दर्शाया जाता है कि ना कि मिनट में, तो इस मिनट को घंटे में चेंज करेंगे, तो यहाँ सेट का भाग लगा देंगे, तो यहाँ 0 से 0 कट गई, और ये 6 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ 60 × 6, नीचे बचे 10। अब इसको करते हैं, तो यहाँ 0 से 0 गई, टी आए 36,
36 किलोमीटर प्रति घंटा ये इसकी सही एवरेज आ गई। अगर वो 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता तो वो सही टाइम पे पहुंच जाता, ना लेट होता ना जल्दी होता। तो अपना आंसर सेकंड हो गया, सही चाल पूछी थी, सही चाल आई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर दोस्तों अभी समझ नहीं आया तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर समझ में आ जाएगा। और दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ए 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट देरी से पहुंचता है। और फिर उसके बाद में हमसे पूछा है उसके घर से स्कूल की दूरी, और सेकंड में पूछा वह किस चाल से चले कि वह स्कूल सही समय पर पहुंच जाए। तो दोस्तों फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन ए कोई व्यक्ति है और 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने पर अपने घर से अपने स्कूल 20 की स्पीड से चलता है तो 40 मिनट की देरी से पहुंचता है। 20 की स्पीड से जाता है तो 40 मिनट देरी हो जाती है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तो 10 मिनट की देरी हो जाती है। तो दोस्तों यार 20 मिनट से जा रहा है तो भी देर हो रही है, 30 से जा रहा तो भी देरी हो रही है। तो इसमें हमें ऐसी स्पीड लेनी है जो कि सही टाइम पे पहुंचे, वो हमें ज्ञात करनी है सेकंड में, और एक ज्ञात करनी दूरी। तो दोस्तों हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जाता है तो वो पहुंचता है 40 मिनट लेट, मतलब कि देरी से पहुंचता है। अगर वो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए तो वो पहुंचता है 10 मिनट देर, यहां दे रखा है 10 मिनट देरी से, तो ये 10 मिनट देरी से पहुंचता है, ये मिनट में है। और हमसे पूछा है, पहले में पूछा है कि स्कूल की दूरी बताइए, दूरी पूछी है। और सेकंड में पूछा है कि वह किस चाल से चले कि वह स्कूल सही समय पहुंच जाए, तो सही चाल पूछी है, सही चाल ये हमें ज्ञात करनी है। अगर दोस्तों आप लो लेवल के एग्जाम दे रहे हो तो वहां तक बस दूरी ही पूछेगा, अगर कोई हाई लेवल का एग्जाम दे रहे हो तो वहां पर सही चाल ही पूछ सकता है, क्योंकि इसको कैलकुलेशन करने में थोड़ी देर लगती है, तो इस वजह से हाई में तो हाई क्वेश्चन तो पूछेगा ही। तो दोस्तों अब इसको सोल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या था, दूरी का था कि स्कूल की दूरी फर्स्ट था। दूरी का वैसे अलग होता है, स्कूल की दूरी इसमें अलग दे रखा है तो अलग तरीके से करेंगे। उसमें था चालों का गुना, तो चाल क्या है अपनी SP1, स्पीड 1 ये है और स्पीड 2 ये है, तो SP1 SP2 था तो 20 गुने में 30 हो जाएगा। और बेटे में था चालों का अंतर, इन चालों का अंतर पूछा था, तो इन चालों का अंतर कितने का है, ये 20 है ये 30 है तो 10 का अंतर है, तो यहाँ 10 कर देंगे। फिर गुना में था कि इनका अंतर, समय का अंतर, टाइम का अंतर, टाइम 1 और टाइम 2 का अंतर, तो इसमें ये 40 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यहाँ 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है। दोस्तों पिछले क्वेश्चन में क्या था कि यहाँ देरी था और यहाँ जल्दी था, तो इस वजह से इनको जोड़ा था, और यहाँ क्या है, देरी है और यहाँ भी देरी है, तो यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 30 का अंतर होगा ना कि 50 का होगा, यहाँ 30 का अंतर होगा। तो दोस्तों ये मिनट में है और ये किलोमीटर प्रति घंटे में है, तो ये घंटे में है किलोमीटर प्रति घंटे में और ये मिनट में है, तो इसको घंटे में चेंज करने के लिए सेट का भाग लगाएंगे। तो अब इसको सोल्व कर देते हैं, 30 एकम 30, 30 दूनी 60, 10 से 10 गया, 2 से ये काट दिए 10, अपना दोस्तों आया 30 किलोमीटर, 10 × 3 30 किलोमीटर। तो अपनी दूरी आई, घर से स्कूल की दूरी आई, उस विद्यार्थी के घर से स्कूल की दूरी आई 30 किलोमीटर, तो अपना एक का आंसर तो ये हो गया। फास्ट तरीके से बता दो दोस्तों, यहाँ क्या करना है, बस यही देखना है, 20 की स्पीड जा रहा है, 40 को देरी हो रहा है और अगले में 30 का जा रहा है, तो यहाँ सीधा अंदर ले लेंगे 20, यहाँ पहले दुगुना कर देंगे 20 × 30 और इनका अंतर 10 का अंतर गुणे में इन दोनों का अंतर ले लेंगे, यहाँ 40 है यहाँ 10 है, तो इन दोनों का अंतर ले लिया 30 और बटे में सेट कर देंगे, जितना फास्ट कैलकुलेशन होगा उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। दोस्तों आपको समझा रहा हूँ इसलिए इसमें देरी लग रही है, नहीं तो ये कुछ सेकंड का ही आंसर है।
दोस्त इसमें नेक्स्ट नेक्स्ट क्या पूछा था, सेकंड पार्ट पूछा था सही चाल पूछी थी। तो दोस्तों मैं बता दूं कि 30 किलोमीटर की दूरी है घर से और ये स्कूल की दूरी है 30 किलोमीटर, यहाँ तक ये 30 किलोमीटर हो गया। और दोस्तों वो स्टार्टिंग में जा रहा है 20 की स्पीड से, तो 20 की स्पीड से मान लेते हैं, चलो 20 की न मान के 30 की मान लेते हैं क्योंकि ईजी होगा। जो कौन सी मान सकते हो, पहली मान सकते हो या दूसरी मान सकते हो, तो यहाँ 30 की मान लेते हैं, 30 की स्पीड मानते हैं। तो 30 की स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अगर वो जाता है तो 30 किलोमीटर कितने देर में वो कवर करेगा, 1 घंटे में, मतलब कि 60 मिनट में, 60 मिनट में ये कवर कर लेगा। तो दोस्तों ये 60 मिनट में कवर कर रहा है, तो हमें क्या बताया था कि यहाँ 30 किलोमीटर की स्पीड से जाता है तो 10 मिनट देर हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो 60 मिनट में पहुंचता है और बोलता है कि मैं यार 10 मिनट लेट हो गया। तो दोस्तों इसमें सही समय आएगा, ये 60 मिनट आई है तो इसमें 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो इसका मतलब है कि 50 मिनट है जो उसका सही टाइम है पहुंचने का, 50 मिनट में पहुंचना चाहिए और जो 60 मिनट में पहुंच रहा है। दोस्तों मुझे पक्का विश्वास है कि आप यहाँ कंफ्यूज होंगे कि यहाँ 60 मिनट आ रही है, 10 मिनट देरी से पहुंच रहा है, तो 17 मिनट करोगे आप, इसमें 10 जोड़ोगे। दोस्तों इसमें 10 नहीं जोड़ना, मैं आपको अच्छी तरह समझा दूं कि अगर आप मानो आपके घर से स्कूल की दूरी 30 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर है आपकी रफ्तार भी, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बाइक से जा रहे हैं, तो आप 1 घंटे में पहुंचोगे फिक्स, ये तो तय है कि आप 1 घंटे में पहुंचोगे क्योंकि 30 किलोमीटर है और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आप जा रहे हो, तो 30 किलोमीटर की स्पीड से 30 किलोमीटर 1 घंटे का समय लगेगा, और 1 घंटे का समय लगेगा जो 60 मिनट होती है, 60 मिनट में आप पहुंचते हो और वहां कहते हो कि यार मैं आ तो लेट हो गया। आप देखते हो कि आप 60 मिनट लेट पहुंचे हो, तो वहां आप 10 मिनट लेट हो गए, आप देखते हो कि यार मैं आज तो लेट हो गया, तो कितने मिनट से 10 मिनट लेट से 10 मिनट लेट हो गया, तो 10 मिनट लेट हो गया, तो उसका मतलब क्या हुआ कि पहले आप कितने मिनट में आते थे, आप पहले आते थे 50 मिनट में, आप 50 मिनट में पहुंचते थे, तो आज आप 30 की स्पीड से आए, आप पहले पता नहीं 31 चलाते थे 32 चलाते किसी स्पीड से चलाते थे, तो आप 50 मिनट में आते थे, और वो हम स्पीड अभी ज्ञात करेंगे किस स्पीड से चलाते थे आप, सही चाल क्या थी। तो आप 50 मिनट में आते थे और आज आप आए हो 60 मिनट में, तो आप 10 मिनट लेट हुए ना, 50 की जगह 60 मिनट में आए हो तो 10 मिनट लेट हुए। तो इस वजह से यहाँ ध्यान देना है कि 50 में 10 मिनट लेट बोल रहा है, तो 10 ऐड नहीं करेंगे, माइनस करेंगे, तो 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 आएगा, 50 मिनट। अब इसके बाद में होता है चाल का सूत्र, आपको पता ही है चाल का सूत्र होता है, अभी बताया था मैंने, दूरी बटे समय चाल का सूत्र होता है, हमें चाल ही निकालनी, सही चाल क्या है। तो दोस्तों यहाँ मैं बता दूं कि हमें 50 मिनट के अंदर जाना है, कितनी किलोमीटर है 30 किलोमीटर, तो दूरी क्या है 30 किलोमीटर, दूरी 30 किलोमीटर है और समय है 50 मिनट, तो 50 मिनट का समय है। तो यहाँ दोस्तों मैं बता दूं कि ये किलोमीटर है 30 किलोमीटर में है, तो इस किलोमीटर को हम स्पीड अगर हम चाल दर्शाएंगे तो किलोमीटर को हम प्रति घंटे में चाल बताते हैं, जैसे कि यहाँ बताया था 30 किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ घंटे में ये मिनट में है, 50 मिनट में जाता है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर हमें जाना है 50 मिनट में, तो इसको हम घंटे में चेंज करेंगे तो सेट का भाग लगाएंगे। दोस्तों यहाँ सेट का भाग लगाते हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि अब इसको सोल्व करते हैं तो क्या होता है कि ये सेट है, ये इस संख्या में आकर के एक को छोड़ करके अगली संख्या में गुना हो जाता है, ये यहाँ गुना हो जाएगा, तो यहाँ अब हम लिख देते हैं 30 × 60 बटे क्या है 50, तो यहाँ 50 कर दिए, 1 0 से 1 0 गई, 5 एकम 5, 5 × 6 30, 6 × 30 तो 6 बार गया, तो अब यहाँ क्या बचा 6 बचा, यहाँ 6 बचा, तो 6 × 6, 6 × 6 क्या होगा 36, तो अपना दोस्तों क्या आया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ये अपना आंसर हो जाएगा जो हमें यहाँ पूछी थी सही चाल। तो दोस्तों सेकंड क्या पूछा था, सही चाल आया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, पहला पूछा था 30 किलोमीटर, पहला पूछी थी दूरी अपनी आई 30 किलोमीटर और सही चाल आई 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दोस्तों समझ में आ रहा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना ये है, तो इसमें क्या बोला है कि एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, उसके स्कूल तक की दूरी कितनी है। तो इसमें दोस्तों एक ही पूछा है, स्कूल तक की दूरी पूछी है। दोस्तों क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गति से चले तो 9 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है। दोस्तों अगर वो लड़का 4 किलोमीटर स्पीड से चलता है तो 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है, यदि वह 5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चले तो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, और दोस्तों 4 की बजाय अगर अभी 5 की स्पीड से चले तो 9 मिनट पहले देर हो रही थी 4 की स्पीड से जाता है तो, और अब 5 की स्पीड से जाता है तो जल्दी पहुंच जाता है। तो हमसे क्या पूछा है, उसके स्कूल तक की दूरी। तो दोस्तों हमें क्या क्या दे रखा है, हमें दे रखा है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर वो जाता है स्कूल तो वो पहुंचता है 9 मिनट देरी से, 9 मिनट देरी से, 9 मिनट देरी से पहुंच रहा है 9 मिनट देरी से। अगर दोस्तों वो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रहा है तो वो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है, 9 मिनट जल्दी पहुंच जाता है। दोस्तों हमसे क्या पूछा, हमसे पूछा है दूरी स्कूल से, और स्कूल से घर से स्कूल तक की दूरी पूछी है, तो दूरी हमें ज्ञात करनी है, दूरी हमसे पूछी है। तो दोस्तों अब आपके पास ये दे रखा है, क्वेश्चन आपके आपके पास है, और इसका सूत्र होता है स्कूल की दूरी बराबर होता है चालों का गुना बटे चालों का अंतर गुणे में समय का अंतर। तो दोस्तों अब इतना बताने के बाद इसका आंसर आपको कमेंट द्वारा बताना, ये आप ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये इसको आप सोल्व करके कमेंट द्वारा बताना। और ऑप्शन इसका ए 6 किलोमीटर प्रति घंटे, सॉरी यहाँ ओनली किलोमीटर होगा, प्रति घंटा नहीं होगा क्योंकि दूरी पूछी है, तो दूरी तो किलोमीटर में होगी। तो ऑप्शन ए है 6 किलोमीटर, ऑप्शन बी है 8 किलोमीटर, ऑप्शन सी है 10 किलोमीटर और ऑप्शन डी है 4 किलोमीटर। तो दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट द्वारा बताना। दोस्तों मैं आपसे आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी, प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब किया हो तो इस वीडियो को नीचे लाल कलर में सब्सक्राइब का ऑप्शन सब्सक्राइब कीजिए, और उसके बाद में घंटे का जो आइकन है उसको भी दबाइए, और कमेंट द्वारा बताने की वीडियो कैसी लगी, जैसी भी लगी हो प्लीज बता देना, अच्छी लगी बुरी लगी। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए प्लीज। थैंक यू फ्रेंड, जय हिंद जय भारत।